दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक हम टेस्टिमोनियल लेकर के आए हैं आपके लिए। बड़े सारे लोगों की मांग थी कि सर क्या फिशुला ठीक भी होता है, तो हमने ये भी कोशिश की है, अपने जो भी पेशेंट्स हैं उनसे हमने बोला हुआ है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो डेफिनेटली आप उसकी वीडियो बना करके या ऑडियो बना करके आप मेरे पास सेंड करिए, ताकि उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकें, ताकि लोगों को एक विश्वास हो कि हाँ ये चीज़ें ठीक भी होती हैं, उसमें भी अच्छा आराम होता है, जिसमें और भी कई सारे लोग हैं जिनका काफ़ी हद तक सही भी हुआ है, लेकिन अभी चूँकि थोड़ा सा उनके अंदर में एक संकोच है, अलग अलग जगह पर लोग काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा संकोच लगता है कि वो सामने फ्रंट पे नहीं आना चाहते हैं, तो हम किसी को प्रेशराइज भी नहीं करते हैं। जो अपनी इच्छा से अपना रिव्यू देना चाहता है वो डेफिनेटली दे सकता है, मैं वेलकम करता हूँ ऐसे लोगों का, और ये अच्छी बात होगी लोगों के लिए, ताकि उनको विश्वास होगा होम्योपैथी पे, होम्योपैथी से फिशुला या पाइल्स फिशर या और भी ऐसी बीमारियां जो कि जल्दी ठीक नहीं होती हैं वो ठीक भी हो सकती हैं, तो ये एक अच्छा है। मेरे एक पेशेंट हैं आंध्र प्रदेश से, मिस्टर श्रीराम, तो उनके साथ भी ऐसा ही था, तो उन्होंने ऑडियो पे बात करने के लिए एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, और उन्होंने अपना पूरा ऑडियो पे सारी जो इन्फॉर्मेशन थी जो भी था उसके बारे में, क्या उनका रिव्यू रहा, उनका लगभग 14-15 दिन का क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, वो सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से सुने और इससे सीख लें, और ये भी कि विश्वास ज़रूर पैदा करना चाहें। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि फिस्टुला कोई शक नहीं है कि होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो सकता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है दोस्तों, लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को वैसे करेंगे जैसे बताया जाता है तो ये बहुत जल्दी भी ठीक होता है। ठीक है, हम डेफिनेटली जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा टाइम बताते हैं। ठीक है, तो आइए ऑडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। श्रीकांत जी बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? अच्छा है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है, 14 जो भी फील हो रहा है आप उसके बारे में बताएं। 14 दिन से आपका मेडिसिन ले रहे हैं ना सर, अभी अच्छा है सर। फर्स्ट वीक तो सर बागंत से वो चीम बोलते ना वो नहीं आ रहा अभी। okay. अच्छा है अभी, अभी अच्छा है, पेन नहीं है। ओके okay. अच्छा मोशन भी फ्री आ रहा वो दवा से। ओके कॉन्स्टिपेशन के बारे में क्या बता रहे हैं? कॉन्स्टिपेशन बोले तो जाना बोले तो बहुत मुश्किल है अभी, वैसा नहीं अभी साफ हो रहा पूरा, एकदम साफ हो रहा, एकदम साफ हो रहा। दो बार चल रहे मैं, दो बार जा रहा मैं सुबह शाम, अभी अच्छा है आपको मेडिसिन से सर। ओके और फिस्टुला में क्या चीज लग रही है आपको? फिस्टुला में सर और एक आप फिस्टुला कैसा फील कर रहे हैं आप? फिस्टुला ये नथिंग टू वरी सर, आप है ना आपका दवा से कम होता सर, कम हो रहा है, कम होता, कम बोल सर, कम होता सर, कम हो रहा है अभी मेरे को। स्वास्थ्य मैं आपको फोन करे मेडिसिन हो गया है उस स्वास्थ्य नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हेमराइड्स की क्या कंडीशन है? हेमराइड्स वही वो कम हो रहा सर थोड़ा बहुत, जब थोड़ा लंबा था अभी छोटा हुआ, छोटा हुआ अभी। सेकंड ग्रेड का आपका था? सेकंड ग्रेड वो कम हुआ सर जी। और है और है वो थोड़ा अच्छा है सर अभी, कुछ अभी बिल्कुल अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है सर, अच्छा है। ओवरऑल आपको बेटर लग रहा है? सैटिस्फाइड सर, फुल सैटिस्फाइड। ओके श्रीकांत जी बहुत बढ़िया। अभी आपने 1 वीक दवा लिया हुआ केवल? हाँ 14 दिन सर, 14 डेज सर। 14 डेज हो गया? हाँ 14 डेज सर आज। ओके 14 डेज, तो अभी सेम रिपीट करना है इसको 1 वीक और, ठीक है ना, 1 वीक और रिपीट करना है। और उसके बाद जो भी कंडीशन होगी फिर वो चीज आपको मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। अभी सेम दवा चलेगी, चेंज होगा, पावर बढ़ेगा, क्या होगा, जैसा भी होगा तो आफ्टर 1 वीक आप इसमें बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, सेम मेडिसिन लेना अभी? हाँ सेम। ओके ठीक है सर, सल्फर नहीं लेना है आपने, बाकी जो दोनों मेडिसिन है वो भी चलेगी। वही 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 ले रहा मैं।
वही लिख के वन सेवन वीक डेज के के बाद लिए। फोन करना सर हाँ आपको। 7 डेज के बाद आप मुझे फोन करिएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके श्रीकांत जी, वेलकम। ओके सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे फिस्टुला में लोगों को आराम हो रहा है। आप लोग भी अगर इच्छुक हैं फिस्टुला का ट्रीटमेंट कराने के लिए तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ है कि खाने पीने का ध्यान देना है आपने, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उनका प्रॉपर उपयोग करना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। अपनी पूरी केस चेकिंग करा करके फिर आप मेडिसिन लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।